अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी अगली के साथ में हिमांश बोली। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में लिखा है कि इंक्वायरी को मतलब बताएं। कुछ दोस्तों की 5-5 महीने पहले भी इंक्वायरी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया एम्बेसी की तरफ से। अमूमन तौर पर यह होता है कि जिन लोगों की इंक्वायरी को काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है, लेकिन उनका आंसर कोई नहीं आता, तो उसका मतलब ये होता है कि उनके वीजे के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। क्योंकि अगर उनको कोई एम्बेसी को मसला होता है, किसी फाइल में कोई केस रिजेक्ट करना होता है, तो इतनी देर वेट नहीं करती है। तो दूसरी बात यह दोस्तों कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, एम्बेसी का कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। जब से मेरा तकरीबन 5 साल हो गए हैं, जब से देख रहा हूँ इस एम्बेसी को, जहाँ पे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बाद में अप्लाई करते हैं, उनका वीज़ा पहले लग जाता है, कुछ बड़ी देर से वेट कर रहे होते हैं, 1-1.5 साल तक वेट करते हैं, उनका तब जाकर कहीं वीज़ा लगता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एम्बेसी जो है वो कोई भी कंपनी के साथ काम नहीं कर रही। तो इस वजह से आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। इंक्वायरी जैसी होती है, आप उस बंदे से भी कॉल करके पूछ सकते हैं जिस बंदे ने आपकी इंक्वायरी की है, उससे भी पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप तो एम्बेसी में भी कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं अपने केस के मुकम्मल। पहले ये होता था कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आप अपना केस का स्टेटस चेक कर सकते थे, लेकिन हम मुझे पता चला है कि आप ऑनलाइन उनको कॉल भी कर सकते हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स हैं, और ऑनलाइन आप ईमेल वगैरह पे अपना केस सेंड कर सकते हैं, तो वो आपको उसका आंसर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा जो मेन मकसद था आपको बताने का, वो यही था कि आप बिल्कुल परेशान ना हों। जिन दोस्तों की इंक्वायरी काफ़ी देर हो चुकी है, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जो परेशान ना हो, जो वेटिंग कर रहे हैं इंक्वायरी की। जुलाई और अगस्त का महीना ऐसा होता है कि इसमें ऑफ स्टाफ जो है वो छुट्टी पर चला जाता है, इस वजह से जो केसेज हैं वो डिले होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे सितंबर स्टार्ट होगा, तो आप देखेंगे कि आपका केस काफ़ी फास्टली जो है वो हो चुका होगा, और आपको कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, पासपोर्ट जमा करवाने के बाकी सारी डिटेल्स। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।